प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लांक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलवा तुन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम प्रणाम। पिछले एपिसोड में परमधाम के मध्य जो रंगा महल है, रंगा महल की जो पांचवी भूमिका, वहाँ तक की शोभा को हमने देखा था। अब आज श्रीराज जी महाराज की कृपा से रंगा भवन की छठी भूमिका, सातवीं भूमिका एवं दसवीं चांदनी पर्यंत की शोभा को हम आज देखेंगे। महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज छठी भूमिका का वर्णन करते हुए अपनी वाणी में कहते हैं, घरो आए पीछे सबन के, छठी भौम सुखपाल बने विराजे महल में अति बड़ो पड़साल। षष्ठी भूमिका का वर्णन इस प्रकार किया गया है, इस भूमिका में बड़े विमान तख्तरुआ एवं छोटे विमान सुखपाल के रहने का स्थान है। 6000 मंदिरों की प्रथम पंक्ति के स्थान पर यहाँ छोटे विमान सुखपाल एवं जो 28 स्तंभ के स्थान है वहाँ पर बड़े विमान तख्तरुआ रहते हैं। ये विमान श्री राज जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं को विभिन्न जगह में विहार हेतु आकाश मार्ग से जाने के लिए है। छोटे विमान सुखपाल इस प्रकार है। इन विमानों की आकृति के विषय में महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, चार पाए नूर के, ऊपर छत्रियाँ सुखदाई, झालर मोती झलके, फिरती ग्रिद शोभाए। आठों कलश नूर के, छत्री ऊपर झलकत, मिने सुजनी जड़ाव बिछौने, साम सामी तकिए शोभित। इन विमानों के चार पाए चार डांडे हैं, ऊपर दो छतरी है, छतरी के चारों ओर सुंदर मणिमय झालर लटकी है। छह डांडे एवं दो छतरी ऊपर कलश है, छतरियों के ऊपर ध्वजा पताकाएं लहराती है। बैठक जो तखत है उस पर पश्मीना बिछाया है। इस प्रकार एक एक विमानों पर दो दो ब्रह्मात्माएं विराजमान होती है। अब बड़े विमान तख्तरुआ की शोभा को देखते हैं। ये विमान 16 पहल के होने से गोल आकृति से लगते हैं। इनके 16 पाए एवं 16 डांडे हैं। ऊपर एक गुमट है, उसके ऊपर कलश तथा ध्वजा पताकाएं हैं। 16 डांडों पर 16 कलश है, तखत पर गिलम बिछी है, मध्य में सिंहासन एवं कुर्सियाँ हैं। ऊपर चंदवा है, किनार पर 16 डांडों पर कठड़ा है। चारों दिशाओं में स्थित कठड़ा के नीचे की ओर खुलकर सीढ़ी के रूप में बदलती है। इन विमानों में श्री राज श्याम जी ब्रह्मात्मा सहित विराजमान होकर परमधाम के विभिन्न जगहों पर आकाश मार्ग के द्वारा विचरण करते हैं। ये विमान श्री राज श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं की इच्छा अनुसार मन की गति से उड़ते हैं, इसलिए इनको इच्छाचारी एवं मनवेगी कहा गया है। तो यह षष्ठी भूमिका सुखपाल एवं तख्तरुआ
जो विमान है तो विमानों के रहने का स्थान है। यहाँ तक छठी भूमिका की वर्णन है। अब आगे महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सातवीं भूमिका की शोभा को अपने वाणी के द्वारा बताते हैं। कई सुख सातवीं भौम के कई हिंडोले हजार, रूहे आप मन चाहते अरस आराम नहीं पार। तो यह सातवीं भूमिका का वर्णन है। तो सातवीं भूमिका में छः छः हजार मंदिरों की दो पंक्तियों के मध्य स्तंभों की दो पंक्तियों के कारण तीन गलियां दृष्टिगोचर होती है। उनमें इस भूमिका में दोनों ओर की गलियों में छः छः हजार हिंडोले लगे हैं, जिसके मध्य के गली में दो दो हिंडोलों की तालियां पड़ती है। ये हिंडोले चार पाए चार डांडे युक्त है। ऊपर एक छतरी है, छतरी पर कलश है। ये चार जंजीरों के द्वारा लटके हुए हैं। श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्मा ही इन पर झुलकर आनंदित होते हैं। इसके संदर्भ में महामति प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, सुख कहा कहूँ सातवीं भौम की जो लेत खट छप्पड़, हक हादी रुए झूलत साम सामी बांध नजर। अब आगे जो अष्टमी भूमिका है, आठवीं भूमिका, इसके विषय में महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सुंदर वर्णन किया। सुख हिंडोले आठवीं भौम के हक हादी रूहे झूलत, ए चारों तरफ के झूलने हक हमको देता लज्जत। इन भांत भौम आठवीं चार चार खट छप्पर, चारों तरफ हो हीचत ए शोभा कहो क्यों कर। तो यह अब हम आठवीं भूमिका अष्टमी भूमिका की जो शोभा है उसको देखते हैं। सप्तमी भूमिका की भांति यहाँ पर भी हिंडोले लटके हुए हैं। यहाँ पर मंदिरों की दो पंक्तियों के मध्य की तीनों गलियों में 18,000 हिंडोले लगे हैं, इसलिए यहाँ पर चार चार हिंडोलों की तालियाँ पड़ती है। तो यहाँ हिंडोलों की शोभा हमने आठवीं भूमिका में देखा। अब आगे नौवीं भूमिका की जो शोभा है, तो नौवीं भूमिका का वर्णन करते हुए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, छज्जे बड़े नौमी भौम के बहुत बड़ो विस्तार, बैठक धनी साथ की बहार की किनार। नौमी भौम का इस प्रकार से वर्णन किया गया। यहाँ से परमधाम के दूर दूर के दृश्य दिखाई देते हैं, इसलिए इस भूमिका को दूर लक्ष्या कहा गया है। यहाँ पर 6,000 मंदिरों की बाहरी पंक्ति के स्थान पर कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इस चबूतरे पर अंदर की ओर मंदिर की दीवार है, जिसमें तोरण एवं मध्य में द्वार है। द्वार से अंदर की ओर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। शेष तीनों ओर दीवार नहीं है, मात्र वहां पर स्तंभ है। इन स्तंभों पर तोरण है। 6,000 मंदिर की इस दहलान के आगे एक मंदिर चौड़ा छज्जा निकला है। छज्जे के किनार पर स्तंभ है और स्तंभों पर कठेड़ा है। इससे आगे ढालदार छज्जा है जो पर्दे की भांति लटका हुआ है। इस दहलान में प्रत्येक पहल में कुल एक सिंहासन एवं उनके दोनों ओर 3,000 कुल 6,000 कुर्सियाँ हैं। श्रीराज जी एवं श्री श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होकर ब्रह्मात्माओं को परम धाम के चारों ओर के दृश्य को अंगुली निर्देश करते हुए उनको आनंदित करते हैं। अब यह नौमी भूमिका पर्यंत की दृश्य है। नौमी भूमिका तक की शोभा को हमने देखा। अब आगे परमधाम की दसवीं भूमिका जो चांदनी है, तो रंगभवन की चांदनी को हम देखते हैं। तो रंगभवन की चांदनी की शोभा को दर्शाते हुए महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, दसवीं भौम चांदनी ये शोभा है अतंत, कई कदेले कुर्सियाँ बीच शोभा ले तखत। यह दसवीं भूमिका चांदनी है।
इस चांदनी का व्यास 2000 मंदिर का एवं वृत्त 6000 मंदिर का है। इसके मध्य भाग में कमर भर ऊंचा वर्तुलाकार चबूतरा है। इसका व्यास 666 मंदिर का है। इसके 200 पहल है। प्रत्येक पहल 10 मंदिर का है। यह चबूतरा रंग भवन के मध्य भाग में स्थित 9 चौकों के ऊपर स्थित है। इसके किनार पर कठेरा है एवं चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां हैं। चबूतरे पर विभिन्न रंगों की गिलम बिछी है। मध्य में सिंहासन है एवं उसके चारों ओर 6000 कुर्सियां हैं। चबूतरे के किनार पर भी प्रत्येक पहल पर सिंहासन एवं कुर्सियां हैं। इस चबूतरे के चारों कोनों पर पहलदार 4 जलकुंड है। उनके तीनों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां हैं। किनार पर कठेड़ा है। जल में प्रवेश हेतु अंदर की ओर चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां हैं। यह रंग भवन की चांदनी थी। अब उसके ऊपर बनी हुई जो दहलान है, तो दहलान के विषय में दहलान की शोभा को हम देखते हैं। चांदनी के किनार पर नीचे स्थित 6000 मंदिरों की प्रथम पंक्ति एवं उसके साथ संलग्न स्तंभों की प्रथम पंक्तियों के ऊपर 2 मंदिर चौड़ा चबूतरा है। पूरे चबूतरे पर दोनों किनार में 1 मंदिर के अंतर पर स्तंभ खड़े हैं। मुख्य द्वार के ऊपर भाग को छोड़कर शेष चारों ओर चबूतरे के आगे 1 मंदिर चौड़ा छज्जा है। उसके किनार पर कठेरा है। छज्जे से नीचे की ओर ढालदार छज्जा लटका हुआ है। चांदनी के मध्य में स्थित चबूतरे के चारों ओर दहलान के चबूतरे तक बगीचे, नहरें आदि का मनोहर दृश्य है। नौमी भूमिकाओं की हवेलियों के ऊपर चांदनी में वाटिकाएँ हैं। त्रिमार्गों के ऊपर नहर है एवं चतुर्मार्ग के ऊपर जलकुंड तथा फवारे हैं। पूर्णिमा की रात्रि श्रीराज जी, श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मा आत्माएँ चांदनी पर आनंदमय लीला करते हैं। तो अब आगे दहलान की चांदनी की शोभा को देखते हैं। दहलान की चांदनी पर प्रत्येक मंदिर के ऊपर 2-2 गुमटियाँ हैं। प्रत्येक मंदिर की संधि पर अंदर एवं बाहर दोनों ओर 1-1 कंगूरे हैं। चांदनी के दोनों किनारों पर कांगरी है। प्रत्येक पहल की संधि पर बुर्ज के स्थान पर गुमट है। सभी गुमट तथा गुमटियों पर ध्वजा पताकाएं लहराती हैं। मुख्य द्वार के ऊपर 10 मंदिर की दहलान की चांदनी पर 20 गुमटियां हैं। 1-1 मंदिर के अंतर पर 1 कंगूरा है एवं कंगूरे के मध्य कांगरी है। चारों कोणों में गुमटियां हैं, उन पर भी ध्वजा पताकाएं हैं। इस प्रकार परम धाम की जो रंग भवन है, रंग भवन की प्रथम भूमिका से लेकर 10वीं चांदनी पर्यंत का दृश्य है, ये हमने देखा, इसकी शोभा को देखा। अब श्रीराज श्यामा जी के कृपा से हम अगले आने वाले एपिसोड में रंग भवन की जो प्रथम परिक्रमा है, पूरे परम धाम में 7 परिक्रमा का वर्णन किया गया है और रंग भवन को मध्य में रखकर 7 परिक्रमा की गई है, तो उस 7 परिक्रमा में से जो रंग भवन के नज़दीक आने वाले जो प्रथम परिक्रमा है, उसको हम अगले आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम प्रणाम।